मैं सलीम और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। प्रयागराज मार्ग पर बस और कार की टक्कर में 35 यात्री बाल बाल बचे। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। मामला रायबरेली जनपद के बचसावा कस्बे से सटे लखनऊ फतेहपुर बाईपास का है, जहां पर सुबह फतेहपुर बाईपास की तरफ से आ रही ब्रिजक कार यूपी 71 एएल 6843 की उत्तर प्रदेश रोडवेज बस यूपी 3380 4133 की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 35 यात्री बाल बाल बचे। रोडवेज के कंडक्टर का कहना है कि मेरी रोडवेज बस रायबरेली से लखनऊ जा रही थी कि चूरवा के पास फतेहपुर बाईपास से आ रही ब्रिजा कार सामने आ गई, जिससे दोनों गाड़ियों में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि रोडवेज की बस डिवाइडर तोड़ते हुए सेकेंड लाइन में चली गई, जिसमें 35 यात्री रोडवेज बस में सवार थे, जो कि सब सुरक्षित हैं। कार का ड्राइवर घायल हो गया है। सवाल यह है कि इतना बड़ा बाईपास फोर लाइन में होकर गुजरता है, लेकिन इस बाईपास पर एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं मौजूद है, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहां पर एक स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, जिससे दुर्घटना होने से बचा जा सके। रायबरेली से मोनू सिंह की खास रिपोर्ट। क्या नाम आपका? अनिल कुमार चौधरी। क्या करते हैं आप? हम रोडवेज में पैसा लगे। अच्छा, क्या मामला हुआ है? रोडवेज कैसे पलट गई, कैसे क्या डिवाइडर फॉर्म गई है? गाड़ी सामने से चली आ रही थी ओवर स्पीड में। कौन सी गाड़ी है? ये क्या कहते हैं, ब्रिजा। अच्छा, यूपी 71 फर्स्ट AL 6843। जी जी, ये इसकी गलती है। पूरी तरह से चली आ रही थी, हमारा ड्राइवर पूरी तरह कंट्रोल किया, सारे यात्रियों को सुरक्षित करते हुए देखते हुए हल्का फुल्का ड्राइवर डिवाइडर फॉर्म करके इस बार आ गई। जी, सब यात्री सुरक्षित है, किसी को चोट वोट नहीं लगी। जी, हम भी सुरक्षित हैं। जी जी, क्या गाड़ी में कुछ नुकसान आया है? नहीं सर, अब ये है तो सब पचक गया है। जी, थोड़ा बहुत तो जो है डैमेज हो ही गया है। किसी को कोई क्षति पहुंची है? नहीं, किसी को कोई क्षति नहीं, कोई हताहत नहीं हुई, सब लोग सुरक्षित हैं। सब सुरक्षित है हमारे। जी, चलिए ठीक, धन्यवाद।